भाई कल से एक धमाकेदार अपडेट चारों ओर फैल रही है भाई कि सुकुमार और प्रभास जुड़ने वाले हैं। पुष्पा जैसे सीरीज लाने वाले सुकुमार अगर प्रभास के साथ जुड़ते हैं तो प्रशांत नील जैसे सलार टाइप का एक मूवी आएगा बोल के सबका उम्मीद था। और ये न्यूज़ जो है बहुत ही ज़ोरों से फैल रही है क्योंकि न्यूज़ ही इतना कड़क है भाई। और इसमें एक और चीज़ कहा जाता था कि अभिषेक अग्रवाल जो है इसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं, इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं, पैसे लगाने वाले हैं, ऐसा बोल के ये न्यूज़ जो है बहुत ही ज़ोरों से वायरल हो रही थी। लेकिन अभी एक ऐसी खबर सामने आ गई है भाई कि अभिषेक अग्रवाल अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक नोटिस जारी किए हैं कि ये जो बात हो रही है ये एक्चुअली में फेक है, रूमर्स है। वहाँ पे एक्चुअली वो कोई नाम मेंशन नहीं किए हैं कि डार्लिंग प्रभास सुकुमार के साथ जो प्रोजेक्ट जुड़ा जा रहा है उनका, उनके जो अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स है उसके साथ जो जुड़ा जा रहा है वो एक्चुअली फेक है बोल के वहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन कुछ ऐसा लिखे हैं जो साफ पता चल जाता है। वो लिखे हैं कि कुछ हफ्तों से कुछ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट के साथ उनके अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स को जुड़ा जा रहा है, तो ये चीज़ जो है वो एकदम रूमर्स है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है बोल के वो खुलासा किए हैं वो नोटिस में। तो वो लिखते हैं कि मतलब कुछ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट, तो कुछ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट और अभी हमारे सामने जो आया है, जो रूमर्स होके आया है अभिषेक अग्रवाल आज के साथ, वो है सुकुमार और प्रभास की जुगलबंदी वाला न्यूज़। तो शायद उसको भी वो मेंशन करके, उसको ही टारगेट करके वो बोल रहे हैं। और उसमें वो और भी लिखे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जो भी होगा ऑफिशियल तरीके से होगा, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी न्यूज़ आ जाता है तो उसको भरोसा मत करिए, ऐसा बोल के वो वहाँ पे गुजारिश किए हैं। जो भी होगा हम ऑफिशियल तरीके से देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ऑफिशियल तरीके से उसके अपडेट हम देते जाएंगे, ऐसा बोल के वो नोटिस में वो जारी किए हैं। लेकिन वहाँ पे नाम मेंशन नहीं है कि सुकुमार और प्रभास की जुगलबंदी के बारे में वो बोल रहे हैं बोल के। और वैसे भी सुकुमार और प्रभास की जो जुगलबंदी वाली बात हो रही थी कल से, वो एक्चुअली होने वाली है, उसकी काम शुरू होने वाली है, वो मूवी फ्लोर पर आने वाली है 2024 के बाद, आफ्टर पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद। तो बहुत वक्त है यार, अगर ये सच है तो बीच में भी इसका इसके ऊपर अपडेट आ सकती है, आफ्टर पुष्पा 2 इसकी सच्चाई पता चल सकती है, या फिर वाकई में सुकुमार और प्रभास जुड़ने वाले हैं लेकिन उसके प्रोड्यूसर जो हैं वो अभिषेक अग्रवाल नहीं हो सकते हैं, या फिर अभिषेक अग्रवाल सच में इसमें इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन इसको ऑफिशियल तरीके से बाद में इसको रिवील करेंगे इसलिए इस तरह के नोटिस वो जारी किए हैं, या फिर ये बात बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही रूमर्स है और कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली ये जो रूमर्स वाली बात हुई ना, ये सुकुमार प्रभास अभिषेक अग्रवाल इन सभी को जुड़ने का जो बात हुई, एक्चुअली 2 फोटो से हुआ है। पहला तो ये वाला जिसमें विवेक अग्निहोत्री और अभिषेक अग्रवाल और सुकुमार का जो फ़ोटो है, ये वाले फ़ोटो के लिए, और दूसरा है प्रोजेक्ट के, जब दिसंबर के पहले सप्ताह में जो प्रोजेक्ट के का शूटिंग चल रहा था उसी दौरान डार्लिंग प्रभास और अभिषेक अग्रवाल एक ग्रीटिंग को साझा किए थे, एक ग्रीटिंग में वो दोनों मिले थे और मूवी के बारे में और भी कई सारी बातें किए, एक इवनिंग को रंगीन किए, तो उसका भी एक फ़ोटो सामने आया था, रिवील हुआ था ये वाला फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके ये रूमर्स एक्चुअली निकल आया सामने और सुकुमार और प्रभास जुड़ने वाले हैं, ऐसा वगैरह वगैरह। तो देखते हैं भाई, टाइम तो है, 2024 को ये मूवी फ्लोर पे आने वाली थी, तो अगर ये रूमर्स है तो नहीं आएगी, और अगर सच्चाई है तो बीच में अपडेट आ सकती है, ऑफिशियल तरीके से अपडेट आ सकती है, ऑफिशियल तरीके से, जैसा कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स की नोटिस में लिखा गया है। देखते हैं इस बात पे कितनी सच्चाई है या फिर ये टोटली रूमर्स ही है, आपको क्या लगता है?